नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली में योगी सरकार ने 11 और 12 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी तो रक्षाबंधन में बहनों की खुशियां दुगनी हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं हो सकी। जब महिलाएं बस स्टैंड पर आईं तो देखा कि बसों की किल्लत है। बस मिल भी रही है तो उसमें बैठने की जगह भी नहीं है। कुछ महिलाओं ने मजबूरी में यात्रा करने का फैसला किया तो उन्हें लटक कर अपनी यात्रा करनी पड़ी। आरती नाम की महिला ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने मुफ्त में बस सेवा की सुविधा दी है, लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में या तो लटक कर यात्रा करें या फिर निजी वाहनों से यात्रा करें। भाई के पास से बार बार फोन आ रहा है कि कब तक घर पहुंचेगी। योगेश मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए छोड़ने आया हूं, लेकिन यहां तो बस ही नहीं है, जो है उसमें भी पैर रखने की जगह नहीं है। ससुराल से बार बार फोन आ रहे हैं कि कब तक पहुंचेगी। वहीं परिवहन विभाग किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में मुफ्त बस यात्रा की योजना हवा हवाई दिखाई दे रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। आरती जी, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा जो महिलाओं के लिए बस सफर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बसें भैया मिल तो नहीं, नाम है कि चल रही है बसें, मगर देखो सब परेशान है बिल्कुल से। काफी देर से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक घंटे बाद हमें बस नहीं मिली। तो देखिए आप बस की हालत, ये देखिए क्या हालत है। तो इस सुविधा से हमें क्या फायदा मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए और बसें होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना क्या, कुछ नहीं, यही कहना है कि यात्रीगण ज्यादा हैं, बसें कम है, कृपया करके बसों का और प्रस्थान किया जाए। मेरा नाम योगेश मिश्रा है। कहाँ हैं आप आज समय? एक्चुअली छोड़ने आया था इनके लिए। आज ये रोडवेज के हालात देख के ये लग रहा है कि शायद रोडवेज इस चीज़ पे फेल हो चुका है सर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो दो दिन के लिए महिलाओं का सफर जो फ्री किया गया उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये यहाँ बसों में इतनी भीड़ है, कैसे जाऊँ? ज़्यादा भीड़ है। हाँ, चढ़ने को तक नहीं मिल रहा है। तो आप इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? बसों की व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। योगेश मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, योगी जी के द्वारा किया गया कार्य तो अच्छा है, महिलाओं के लिए सुविधा है इसकी, लेकिन यहाँ पर आकर परिवहन विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं बसों में किस कदर मारामारी है। आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार बैठा है। बसों की व्यवस्था इन्हें बढ़ानी चाहिए थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।